जाओ इगुआना रखना, कोई कुत्ता बिल्ली रखने जैसा बिल्कुल नहीं है। कि जो 10 इंच की चीज आप ले रहे हो अभी, वो आने वाले 2 से 4 सालों के अंदर 6 फुट की होने वाली। ओके, व्हाट इज अप क्रेजी पीपल आउट देयर, दिस इज अभिरूप, वेलकम टू द व्लॉग। थंबनेल से तो आपको समझ गया रहेगा व्लॉग किसके ऊपर है। स्पाइकी ने मेरे बालों के अंदर उसका हाथ फटका दिया है, तो यस चलते फटफट और थोड़ा चिल करते अपने इगुआनास के साथ। यार आज मेरे को थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है, कॉल्स है तो थोड़ा सा टाइम पास करते हुए थोड़ा इनको भी टाइम देंगे और कॉल देंगे तो कॉल पे भी चले जाएंगे। लेट्स गो। ओह गॉड, स्पाइकी इज ड्रिंकिंग वाटर पहले नीचे जाने से पहले, तो चलो लेके जाते हैं इसको नीचे। जी 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 बहुत लोग बोलते हैं कि इगुआना पानी नहीं पीते, गलत है भाई, सारे इगुआनास पानी पीते हैं। अरे फैम, सो दिस इज सीरी, उससे जाना है ऊपर, तो आई लेट हर गो ऊपर पेड़ पे। हाँ छोड़ दे, यहाँ पे स्पाइकी स्पाइकी खा रहा है पत्ता। यस, यह कस्टर्ड एप्पल के लीव्स, उसे ये बहुत पसंद है तो मैं उसे कभी कभार यहाँ पे लेके आता हूँ। और मेरे सारे गाना तो मैं ऐसे बेसिकली नीचे लेके आता हूँ, बहुत टाइम से मैं लेके आया नहीं था क्योंकि मैं ही घर पे नहीं रहता हूँ, तो आज सोचा थोड़ा टाइम है और आज ये लोग ने मुझे बोला यार थोड़ा आज रेस्ट ले ले, थोड़ा पीछे से छोड़ दे उसे। यस, तो यस चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं इगुआना क्या टिप्स और क्या सीन है क्या नहीं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो ये स्पाइकी जो है वेजिटेशन खा रहा है, जो ऐसी नॉर्मली अपने यहाँ पे उग जाती है। तो भी बहुत लोग के मन के अंदर ये डाउट रहेगा कि यार आप कुछ भी कैसे खिला रहे हो, आपके इगुआनास कैसे बड़े कैसे हो रहे हैं या हेल्दी कैसे रह रहे हैं। उसके पीछे का सीक्रेट वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इगुआनास का जो भी डाइट है उसके अंदर आप उनको वेरियस जो भी ग्रीन वेजीज रहते हैं, जो भी ग्रीन पत्ते हो गए, जो भी ग्रास हो गया, वो आप उनको दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बस लेट्यूज ही देना है या आपको बस कुछ दूसरी चीज़ ही देनी है, ऐसे फ्रूट्स वगैरह। जंगल में इन्हें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के पत्ते मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, तो हमें अगर उतना सब प्रोवाइड करना है तो उनको थोड़ा सा ऐसा नेचर में छोड़ना ही पड़ता है। तो यस, स्पाइकी फ़िलहाल तो खा रहा है। अभी बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये डाउट आता रहेगा कि यार ये सब खाने से उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। प्रॉब्लम जब भी होगा जब भी आप अपने इगुआना का प्रॉपरली डीवॉर्मिंग नहीं करोगे। तो डीवॉर्मिंग क्या रहता है आपको पता है, जब भी हम बचपन में कुछ भी खा लेते थे तो पेट के अंदर कीड़े हो जाते, तो मम्मी हमको दवाई देती थी। एग्जैक्टली, सारे एनिमल्स को डीवॉर्मिंग कराना ज़रूरी है। देखो वहाँ पे चल कर, इगुआनास का भी डीवॉर्मिंग होता है और ये लोगों को बिल्कुल पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा वेट्स लोगों को भी पता नहीं होता कि इगुआनास का भी डीवॉर्मिंग होता है। तो इसका श्योरली इगुआनास का भी डीवर्मिंग होता है और मैं मेरे सारे इगुआनास का डीवर्मिंग 2 महीने में एक बार श्योरली करा देता हूँ, जिससे कि उनकी हेल्थ प्रॉपर रहती है, उनके लीवर टॉनिक्स भी आते हैं जिनके उनके लीवर का फंक्शनिंग बहुत सही रहता है, तो इसके वजह से मेरे इगुआना हैप्पी और अच्छे रहते हैं। तो सेकेंड पार्ट आता है इगुआना कीपिंग के अंदर, वो है हाइड्रेशन। यहाँ पे अपना भाई खा रहा है, तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप अपने इगुआना को हाइड्रेट कैसे करें, आपको एक वाटर बॉटल उनको एनक्लोजर में प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। अगर वो उसे पानी नहीं पीते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेथड रहते हैं उनको हाइड्रेट करने के लिए। इगुआनास वाइल्ड के अंदर क्या करते हैं कि इनका जो मिड डे टाइमिंग रहता है, मतलब 10 से 12 बजे तक जो धूप रहती है वो धूप सेकते हैं, मतलब बास्किंग करते हैं। उसके बाद उनको जैसा मन हुए वैसे नीचे पानी के अंदर भी स्विम करते हैं, तो स्विमिंग भी उनके लाइफ का एक बहुत अच्छा पार्ट है, जिनके अंदर उनका बॉडी नेचुरली हाइड्रेट हो जाता है और दूसरे सारे वेजिटेशंस के अंदर से भी उनका वाटर लेवल बैलेंस रहता है, ठीक है। पर अगर कोई कैप्टिविटी वाला इगुआना है, कोई इगुआना को रखा है घर के अंदर, तो उसे वो सारी जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करने नहीं मिलते, तो वो टाइम पे क्या करे, तो आप उसको एक श्योरली एक वाटर बाउल दे सकते हो। अगर वो पानी नहीं पी रहा है उसके अंदर से, तो मेक श्योर आप आपके इगुआना को वीक में एक बार ल्यूकवार्म वाटर के अंदर उसे सोक करें। सोक करें मतलब उनका जो बॉडी है, उसके जो लेग्स है वो बस पानी के अंदर है और पूरी बॉडी ऊपर है, इतना ही पानी रखना है और उसे थोड़ा हल्का ल्यूकवार्म करना है, उसकी स्किन जो है उस पानी को एब्जॉर्ब करें और उनका जो बॉडी है वो उसको प्रॉपर उसका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है और वो हाइड्रेट भी हो जाते हैं। जहाँ तक बात आती है पानी पीने की, तो उस टाइम पे अगर वो पानी नहीं भी पीते तो भी चल जाता है, पर अगर आपका इगुआना कभी भी पानी नहीं पिया है
तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है आपके इगुआना को पानी पिलाने के लिए। सबसे पहले एक बाउल लेना है पानी का। आपके इगुआना का जब भी जो फर्स्ट डाइट रहता है, मतलब अगर समझो आप रात से आपका इगुआना भूखा है और सुबह आप उसको खाना देने वाले हो, तो उसको खाना मत दो। उसका जो भी खाने का एक छोटा पीस है, फॉर एग्जांपल है ग्रेप या कुछ भी, अगर वो कोरिएंडर पसंद करता है तो कोरिएंडर छोटा सा पीस लो कुछ भी, और वो पानी के बाउल के अंदर डाल दो, ठीक है। तो आपका इगुआना क्या करेगा, वो पीस को या और वो जो भी आपका उसका जो फूड रहता है उसको खाने को वो बाउल के अंदर मुँह डालेगा और उसी के साथ साथ वो पानी भी पी लेगा। ओके, मूविंग ऑन फर्दर गाइस, अभी मेरे कंधे के ऊपर है अलेक्सा। अलेक्सा मेरी एक अडॉप्टेड इगुआना है, आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा। तो अभी इगुआना कीपिंग इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नया है, बहुत ज़्यादा लोग इगुआना ले रहे हैं, तो मोस्टली अभी उनके इगुआना ये साइज़ में है या इससे थोड़े बड़े हैं या इससे थोड़े छोटे हैं। तो ये एक प्रॉपर मीडियम साइज़, मतलब एवरेज साइज़ जुवेनाइल इगुआना है। आप देख सकते हो वो शेड कर रहे हैं, और अपना टॉपिक भी शेडिंग के ऊपर ही है। शेडिंग रेप्टाइल्स के अंदर एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका इगुआना प्रॉपरली शेड नहीं कर रहा है तो समझ जाएगा कि उसके स्केल उसके स्केल्स प्रॉपर नहीं है, आपका इगुआना हेल्दी नहीं है। आपके इगुआना को अच्छे से शेड कैसे कर रहा है, आए आगे जानते हैं। सो दिस इज माई ब्यूटिफुल अलेक्सा, और आप जिस प्रकार से देख ही सकते हो कि वो प्रॉपरली शेड कर रही है। एक प्रॉपर हेल्दी शेड ऐसा दिखता है। तो आपके इगुआना को हेल्दीली शेड कैसे करा है, हेल्दी शेड कराने के लिए वापस मेन पॉइंट आता है कि उनका हाइड्रेशन सही है कि नहीं, ठीक है। इगुआना का जो एनक्लोजर है वो मॉइस्ट रहना चाहिए थोड़ा सा। धूप लेने के बाद उनके ऊपर पानी भी स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जिससे क्या होगा, इनका जो बॉडी के ऊपर की जो स्किन है वो शेड करने को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। शेडिंग एक बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है, जैसे मैंने पहले ही आप सभी को बताया है। तो यस, प्रॉपरली मॉइस्ट करना उसको और उसे प्रॉपरली हाइड्रेट रखना, ये एक मेन पार्ट है शेडिंग के अंदर का। तो बास्किंग के साथ साथ पानी देना, स्प्रे करना, ये एक मेन पार्ट प्ले करता है शेडिंग के टाइम पे। जब भी उसका बास्किंग का सेशन हो जाता है, जब भी वो आगे बढ़ने को चले जाता है, वो टाइम पे आपका इगुआना हाइड्रेट भी हो जाएगा और उसकी स्किन भी प्रॉपरली मॉइस्ट हो जाएगी। ओके, तो सेकेंड और एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इगुआना और रेप्टाइल कीपिंग के अंदर की, आप उनका कलरेशन कैसा देख सकते हो। दिस इज़ माई ब्लू इगुआना, माई बेबी, दिस इज डोरा, और आप देख सकते हो उसका ब्लू अभी तक है बहुत ज़्यादा प्रॉपर। उसकी साइज़ देखो और उसका ब्लू कलर देखो कितना ज़्यादा वाइब्रेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ डोरा, बहुत ज़्यादा सही इगुआना है, बहुत बहुत क्यूटेस्ट, वन ऑफ द क्यूटेस्ट बेबी है, और ये मेरी फीमेल इगुआना है। तो इगुआना का कलर कैसे मेंटेन करें, आइए जानते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द कलर, आप देख सकते हो इसे प्रॉपरली ब्लू इगुआना, वो भी बड़ी साइज़ में, शी इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 3.5 feet लॉन्ग अभी, और ये 3 साल की है, ठीक है। अब उसका ब्यूटीफुल कलर देख सकते हो, लुक एट हर ब्लू, ब्यूटीफुल ब्लू कलर। और एट गाइस, सो टॉकिंग अबाउट कलर, कलर के अंदर मेन रोल जो भी प्ले करता है वो है आपके इगुआना के जेनेटिक्स। अगर आपका इगुआना का जेनेटिक्स सही है, अगर वो एक प्रॉपरली प्योर ब्रीड है, तो ही आपका इगुआना अच्छा कलर शो करेगा या फिर वो डल होते जाएगा। जैसा आप डोरा को देख रहे हो, वो एक प्योर ब्लू इगुआना है, ठीक है, और इसकी वजह से उसका कलर अभी तक मेंटेन है। मार्केट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा मिक्स ब्रीड इगुआना या फिर बहुत ज़्यादा अलग म्यूटेशन के बहुत लो ग्रेड के इगुआनास मिल रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया कि ट्रेंड बढ़ गया है इगुआनास का और सब लोगों को इगुआना चाहिए। जो क्वालिटी है इगुआनास की वो हो गई है कम, मेन चीज़ मैटर करती है जो कि है क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी का ध्यान कैसे रखें, क्वालिटी के ऊपर आप देखने जाओगे तो इगुआना आपका टोटली हेल्दी होना चाहिए। जैसा आप मेरे इसकी टेल देख रहे हो, इसकी टेल इतनी थिक है, ठीक है, और ये जो बोन है इधर पे आपको कोई भी बोन फील नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपरली थिक रहना चाहिए। यहाँ पे टेल आप देख सकते हो उसकी प्रॉपर ऐसी थिक है। उसके बॉडी के ऊपर कोई भी डॉट्स नहीं रहने चाहिए, छोटे छोटे माइट्स नहीं रहने चाहिए, या उसके ऊपर स्टक शेड नहीं रहना चाहिए। उसका शेड है सब आधा टूट का मूट का या इधर उधर स्टक हुआ हुआ शेड बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पहली और बहुत ज़्यादा इनिशियल चीज़ है इगुआना लेने के टाइम पे। कलर को मेंटेन कैसे करना है, आपके इगुआना को फीड करना है आपको हिबिस्कस के लीव्स, हिबिस्कस के फ्लावर्स, और जितना भी आप उनको नेचुरल खाना दे सकते हो, जो भी वाइल्ड का दे सकते हो, बहुत ज़्यादा सही है वो, आपके इगुआना लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपका कलर मेंटेन होगा मेरे इगुआनास के तरह। हिबिस्कस का प्लांट अगर समझा नहीं होगा, तो जो फ्लावर हम गणपति जी को ऑफर करते हैं, वर्शिप करते हैं,
उसको हिबिस्कस बोलते हैं, उसको हिंदी में जासवंद बोलते हैं, मराठी में जासवंदी का पेड़ या जासवंद ऐसा बोलते हैं। वो फूल आपको देना है जो लाल कलर का आता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स भी आते हैं, कभी पिंक आता है, येलो आता है, वाइट आता है, वो मैटर नहीं करता है। आप उनको हिबिस्कस की स्पीसीज का कोई भी फूल दे सकते हो और उसके लीफ ज़रूर दे सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस, कि इगुआना को टेम कैसे करें। बहुत लोग हमेशा पूछते रहते हैं यार अभिरूप तेरे इगुआना इतने टेम कैसे है, तेरे साथ इतने अच्छे से कैसे रहते हैं, या उसको इनका अच्छे से कैसे रखता है। तो इगुआना को टेम करना दो दिन का काम नहीं या एक साल का काम नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम जा सकता है, ठीक है। इगुआना का ट्रस्ट बिल्ड करना होता है आपके ऊपर, जो भी एनिमल है उसका आपका ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। इगुआनास कैन बी वेरी एग्रेसिव, ट्रस्ट में इगुआना बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं अगर आप उनको प्रॉपर टाइम ना दो, अगर आप उनका प्रॉपर देखभाल ना करो तो यू गाइस कैन एंड अप ऑन स्टिचेस। उनका बाइट बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है, ये जो आप जॉ देख रहे हो, ये जॉ आपको स्टिचेस दिला सकता है गाइस। टाइम देना पड़ता है, कैसे टाइम दे इगुआनास के साथ, रोज़ एक से दो घंटा थोड़ा चिल करो। अगर आप उनको हाथ से खिला सकते हो आप हाथ से खिलाओ, पर ऐसा भी नहीं कि आपको ओवर हैंड फीडिंग करानी है या फिर कैसा, एक टाइम के बाद क्या हो जाए कि आपका इगुआना बस आपके हाथ से ही खाएगा और फिर वो आगे नॉर्मली खाने में नखरा करेगा और विच विल लीड टू सम सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो वीक मतलब आपकी दिन की एक मील इगुआना की हैंड फीड रहनी चाहिए, इससे क्या होगा वो आपके साथ उसका और आपका बॉन्डिंग हो जाएगा। कभी कभार आप उसको अपने घर के अंदर ऐसे कंधे पे लेना या बॉडी के ऊपर ले सकते हो, जिससे आपका और उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। हाउ टू टेल योर इगुआना इज़ हेल्दी और नो, आपका इगुआना हेल्दी है आप अगर कोई नया इगुआना ले रहे हो वो हेल्दी है या नहीं, ये कैसे जानेंगे। सबसे पहले आता है, जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी टेल, उसके यहाँ के कोई भी बोन्स आपको फील नहीं होनी चाहिए, उसकी टेल जो है उसके ऊपर प्योर मसल फील होना चाहिए। सेकेंडली आपके इगुआना का जो भी लेग है, लेग का मसल बहुत ज़्यादा प्योर दिखना चाहिए आपको। आपको यहाँ पे कोई भी श्रिंकिंग या आपका इगुआना का जो मसल है, आपका लेग, आपके इगुआना का जो लेग है वो श्रिंक नहीं दिखना चाहिए। सारे लेग्स, सारे मसल्स आपको प्रॉपर दिखने चाहिए। दिस इज़ व्हाट अ हेल्दी टेल लुक लाइक। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपके इगुआनास के नेल्स। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपके इगुआनास के नेल्स आप ट्रिम करते हो या नहीं, या आपने को ट्रिम करना चाहिए या नहीं। हाँ, ओके। तो यस, आप आपके इगुआना, मैं मेरे इगुआना के नेल्स ट्रिम नहीं करता हूँ, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा शार्प है और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लगते ही रहता है, ठीक है। मैं ट्रिम इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे वो करना सही नहीं लगता है बहुत टाइम, ठीक है। ऐसा बात नहीं, आप सॉरी, आपके इगुआना के नेल्स जो है वो ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। इनका जो नेल है, एक सेकेंड फोकस, हाँ, इनका नेल का जो एकदम ये जो एंड पार्ट है ना, इसको आपको फाइलर से या नेल कटर से हल्का कट करना होता है, बट उसके अंदर उनको थोड़ा सा पेन हो सकता है, विच इज़, और ये सब करना इज़ नेवर रिकमेंडेड। अगर आपको ये करना है तो प्रॉपर वेट के पास जाओ, ठीक है, वो करके दे सकते हैं, पर देर आर वेरी फ्यू वेट्स जो ये सब चीज़ें करते हैं। और इगुआनास को बहुत 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 ज़्यादा सही लगता है ऐसे पर्च वगैरह के ऊपर या ऐसे ट्री के ऊपर चिल करना, तो मेक श्योर कि आप आपके इगुआना के एनक्लोजर में ऐसी सारी चीज़ें ऐड रखो। लाइक लुक एट दिस चंकी चंकी चीक्स, आई लव देम, द चीक स्केल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक, आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कि क्या इगुआनास बहुत अच्छे पेट हो सकते हैं क्या, मतलब क्या इगुआनास को रखना सही है या क्या वो लीगल है। या श्योरली लीगल, पर अगर आप इगुआना रख रहे हो तो इट इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग इगुआना ले रहे हैं, इगुआनास की तरफ जा रहे हैं, इगुआना रेप्टाइल कीपिंग के अंदर बढ़ रहे हैं, पर मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन है इगुआना के बारे में। सेकेंडली, ये बहुत ज़्यादा जीते हैं, दे लिव अप टू 25 to 30 years। मैंने इगुआनास लोग को 26 years तक भी देखा है, 30 years का अभी तक मैंने देखा नहीं है, पर गूगल पर सर्च करो 25-30 years तक देखा है। मेरे दोस्त लोग के पास, मेरे बहुत ज़्यादा कलीग्स हैं, इनफैक्ट मेरे पास एक इगुआना था जो 15 years का था। तो यस, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी कमिटमेंट होती है इगुआनास के लिए, इगुआनास को रखना, ठीक है। तो मेक श्योर, अगर आप कोई भी इगुआना या कोई भी पेट ले रहे हो तो आप उसको, उसकी पूरी लाइफ टाइम आपको ध्यान रखना है, वो भी कॉन्स्टेंटली सेम एफर्ट से, सेम डेडिकेशन से, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक जान है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक शौक के लिए इगुआना ले लेते हैं कि अरे यार बहुत ज़्यादा सही इगुआना है, देखो कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, और फिर बहुत टाइम के बाद ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है, जो कमिटमेंट वाला पार्ट है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एनिमल है वो सफ़र हो जाता है, जो एनिमल रहता है वो बहुत बुरी तरीके से सफ़र होता है, क्योंकि कोई भी एनिमल का उसका टेरिटरी छोड़कर किसी और के पास जाना या कहाँ पर भी डंप होना
बहुत 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 ज़्यादा बुरी चीज़ है जो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो जो भी नए इगुआना ओरल्स है, जो भी नए बच्चे लोग हैं, जो भी लोग मुझे डीएम करते रहते हैं कि भाई आपको इगुआना मुझे ख़रीदना है या मुझे इगुआना रखना है, तो मैं सबसे पहला सजेस्ट करूँगा कि इगुआना ख़रीदने या लेने से पहले आप उनके ऊपर प्रॉपरली रिसर्च करो, एक प्रॉपर एनक्लोजर बनाओ, क्योंकि जो 10 इंच की चीज़ आप ले रहे हो अभी, वो आने वाले 2 से 4 सालों के अंदर 6 फुट की होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपका घर उतना बड़ा है, अगर आप उसको प्रॉपर इन्क्लोजर दे सकते हो, तो और तो ही इगुआना लीजिए, क्योंकि अगर आप एक 2-3 फुट का या फिर एक 10-12 इंचेस के जो इगुआना बेबीज अभी मिल रहे हैं, वो आप अभी लोगे और 3-4 साल के बाद बोलोगे अभी मुझे नहीं चाहिए और आप उसे किधर भी डंप करोगे, तो दैट इज़ नो वे गुड। मेरे पास ऐसी सारी चीज़ें बहुत आ रही है और ये बहुत ज़्यादा गलत है, अगेंस्ट इट एंड इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ। कोई भी एनिमल लेने से पहले प्रॉपरली सोचो, प्रॉपरली रिसर्च करो, उसका प्रॉपर इन्क्लोजर पहले डेवलप करो, उसके बारे में पूरी जानकारी लो और फिर ही कोई भी एनिमल, इगुआना या कोई भी रेप्टाइल लेने को जाओ। इगुआना रखना कोई कुत्ता बिल्ली रखने जैसा बिल्कुल नहीं है, एक बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग जोन रहता है, बहुत ज़्यादा अलग बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा अलग डाइट है, सब कुछ वेरी डिफरेंट। तो प्लीज़ गलतियाँ नहीं करो और इन लोगों की जान से खतरे में नहीं डालो प्लीज़, अपने शौक के लिए। सो यस, आगे बढ़ते हैं। और एट फैम, तो मैंने जैसे आपको सबको बताया कि हम पहले रेस्क्यू पे जाएंगे, तो रेस्क्यू तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सारे अपने भाई लोग ने ही बहुत ज़्यादा रेस्क्यू कर लिए थे। अभी मैं आया हूँ फॉरेस्ट के अंदर, ये आरे का बैक साइड है, आरे कॉलोनी का बैक साइड है, आपको सभी को पता ही होगा। और मेरे पास 2 बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्पेसिमेन है, जिसको जो स्पेसिमेंस को आप मतलब जो स्नेक्स की स्पीसीज को आप पिछले 2-3 वीडियो से देख रहे हो, ये एक पिट वाइपर है जो कि BKC के डायमंड मार्केट में रेस्क्यू किया था निखिल भाई ने। निखिल भाई अपना ब्रदर है जो अपने को रेस्क्यू के अंदर हेल्प करता है, शाउट आउट निखिल गाड़े को। दिस इज़ द पिट वाइपर। अभी मैं आपको ना बताने जाने वाला हूँ पिट वाइपर और वाइन स्नेक के बीच के अंदर का डिफरेंस क्या था। एक वाइन स्नेक था जो मैंने मॉर्निंग में रेस्क्यू किया था, बहुत ज़्यादा छोटा था, तो वो और इसके बारे में मैं आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है दोनों में से वो बताने वाला हूँ, क्योंकि दोनों भी बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, पर एक बहुत ज़्यादा वेनमस है और एक सेमी वेनमस है, पर उसको ह्यूमंस को उससे कुछ हार्म नहीं है। तो यस, पहले उसको रिलीज़ करते हैं और रिलीज़ करते करते पहले बता देते हैं इसको। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ग्रीन बाम्बू पिट वाइपर। चंदू थोड़ा पास से शॉट लेगा इसका मेरे साथ। ओके, तो आप जैसे देख सकते हो इसका जो हेड है ये बहुत ज़्यादा ट्रायंगुलर है, जैसे कि अपना रसल्स वाइपर रहता है उसके जैसा इसका हेड ट्रायंगुलर है। आप उसका फेस और उसका आईबॉल देखोगे ना, तो उसका आईबॉल वर्टिकल रहता है, ब्लैक कलर रहता है, जिसको हम आईबॉल बोलते हैं इंग्लिश में, वो सीधा है, ठीक है। इसके ऊपर से पहचाना जाता है कि एक पिट वाइपर है। पिट वाइपर को पिट वाइपर इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसकी आँख और उसकी नाक के बीच में अंदर एक खड्डा है। इसकी आँख है, बीच में जो बड़ा खड्डा है वो उसका हीट सेंसिंग पिट है, और सामने देखोगे छोटू सा वो उसका नाक है, ये उसका हीट सेंसिंग पिट है, और उसकी नाक देखो एकदम यहाँ पे है, ये यहाँ पे उसकी नाक है छोटी सी। तो फिर पिट वाइपर बहुत ही ज़्यादा वेनमस नहीं होता है, अभी वो इस तरीके से बैठा है और ये नॉकटर्नल रहता है, रात में एक्टिव रहता है। तो दिस इज़ अ नाइस टाइम, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट शाम के 6:30 हो रहे हैं, अभी जाके वो उसका हंट प्रॉपर से ढूंढेगा और हंट करेगा और एग्जिट हो जाएगा। तो ये BKC में आई गेस कोई गाड़ी के अंदर से आ गया था, क्योंकि ये मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, आरे साइड वगैरह मिलता है, इसलिए मैं इसको आरे कॉलोनी के अंदर ही लेके आया हूँ। तो यस, वी विल सेट हिम, लेट हिम गो। बाय बाय। ऑल राइट गाइस, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक ऑफ इंडिया, ये है वाइन स्नेक। आप लोग ने व्लॉग के अंदर देखा ही होगा मेरे हर्पिंग वाले, ये बहुत ज़्यादा थे, ये वापस मुंबई के अंदर रेस्क्यू किया गया था, तो इसे भी मैं रिलीज़ करने आया हूँ। ये और पिट वाइपर जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखता है, इसका आई आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल है और इसका जो हेड का ट्रायंगुलरनेस है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, एक लीफ की तरह, उसका जो आप एक उसको एक बीक देख सकते हो। यस, तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये वाइन स्नेक है। वाइन स्नेक बहुत ज़्यादा पतली होती है इस कंपैरेटिव टू द पिट वाइपर, द ग्रीन पिट वाइपर बहुत ज़्यादा सिलेंडर, बहुत ज़्यादा पतली लंबी होती है। पिट वाइपर ज़्यादा बढ़ता नहीं है, आई गेस मैंने लार्जेस्ट साइड उसकी 3.5 feet देखी है, थोड़ा थिक हो जाता है ऐसा 3 fingers जितना। वाइन मैंने 5 feet, 5.5 feet तक की देखी है, बहुत पतली रहती है, बहुत लंबी हो सकती है। तो यस, ये अभी बच्चा है, आई गेस एक साल भर का होगा या उससे थोड़ा कम, 6-8 महीने का। तो इसे भी हम रिलीज़ कर देंगे यहाँ पे बहुत अच्छे हैबिटेट में। अभी इसका सोने का वक्त है फिलहाल तो, क्योंकि ये ड्यूनरल स्पीसीज़ है और आप देख सकते हो किस तरीके से वो कैमोफ्लेज हो जाती है।
अगर कोई नॉर्मली आके उसको देखेगा तो आई गेस अभी आप उसको समझ भी नहीं पाओगे वहाँ पे एक वाइन स्नेक है। तो यस, यही थी छोटी सी वीडियो, आगे जाके थोड़ा एंड कर देंगे, इनको बाय बोलेंगे और या पीस आउट। ऑलराइट फैम, सो दिस वाज द वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आया वीडियो शूट करके, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा सारे इग्वानास को देख के और जो पिट पेपर और वाइन स्नेक उन्होंने रिलीज किया वो देखे। मेक श्योर यू कमेंट और मिलो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो मेरे ऑफिस का नंबर है। सो एट एनी वाइल्ड लाइफ इन दिस ट्रबल, कोई भी एनिमल का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन गिव मी अ बस। मैं ऑफिस पे नहीं रहता हूँ, ऑफिस के वर्कर्स रहते हैं, अगर मेरे से पर्सनली बात करनी है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर दो। और यस, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल दैट टाइम दिस इज अभिरू साइनिंग आउट। Nothing can stop me, I'm all the way.